वेलकम टू पड गेमिंग ब्रदर्स एंड वेलकम टू माई व्लॉग। इस व्लॉग के शॉर्ट्स मैंने डाले हैं, पहले एक दो शॉर्ट्स डाले हैं तो आप जाके देख सकते हो। और हाँ, इस व्लॉग में है क्या, इस व्लॉग में यह है कि मेरी जर्नी है। मैं दिल्ली से जयपुर आया थ्रू एक्सप्रेसवे, जो अभी जस्ट खुला है, जो कि दावा करता है आप दिल्ली से जयपुर स्टार्ट करके 3 घंटे में पहुँच जाएंगे फुर की स्पीड से। तो आइए देखते हैं इस व्लॉग में हमने क्या क्या देखा, हाईवे कैसा है, क्या टोल आया, क्या नहीं आया, क्या नहीं, सब बताएंगे इसके अंदर। तो स्टे ट्यून्ड। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हम सोना रोड पे चढ़े थे, जो कि हमारे गुड़गांव से कटता है, हमें लेफ्ट जाना पड़ता है, सोना रोड पकड़ना पड़ता है हमें एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए। तो हम इस रोड पे चढ़ चुके थे। हाँ, ये भी एक पूरा एलिवेटेड रोड है, जैसा आप देख पा रहे हो, सीधा ये नीचे से लग जा रहा है, ऊपर से एलिवेटेड रोड जा रहा है डायरेक्ट। तो इस पर हम चलते रहे आराम, मुझे लग रहा है 50-60 किलोमीटर इस पर चले, उसके बाद एक्सप्रेस। जैसे हमने सोना रोड पर चढ़े थे ना, तो ये टोल आया, पहला टोल जो है सोना रोड का, एक्सप्रेसवे का टोल नहीं है, सोना रोड का टोल है। आप देख पा रहे हो कि टोल कैसा है, नीचे देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो। हाँ, तो ये टोल आएगा, जस्ट हमने टोल पार किया ये वाला। तो ये राउंड फिगर मुझे लगा 60 रुपये का टोल था, जितना मेरे को याद आ रहा है 60 रुपये का टोल था। फास्ट टैग से हम थ्रू करके चल दिए भैया आगे एक्सप्रेसवे पकड़ने। गाइस, एक माफ़ी मांगूंगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं जो विंडशील्ड थी ना, विंडस्क्रीन, वो थोड़ी गंदी थी, मेरे को साफ़ करने का टाइम नहीं। तो जैसा आप देख पा रहे हो, ये हमने सोना रोड से हम लेफ्ट हो गए, जहाँ पे एक्सप्रेसवे हम एंटर कर गए थे। सोना रोड सीधे जा रहा था, वहाँ पे एक बोर्ड आया कि आपको लेफ्ट मुड़ना है, तो हम लेफ्ट मुड़ गए। कतई मुंबई एक्सप्रेसवे रोड जहर था यार, ये कतई जहर रोड भाई। 8 लेन का हाईवे किसे बोलते हैं गाइस, 8 लेन हाईवे है ये। अब जो आने वाला है आगे, उसके लिए मैं पहले आपको बता दूँ, मेरी मॉम जो है वो कॉमेडियन है, तो थोड़ा बहुत सफ़र में वो कॉमेडी चलता रहता, तो देखिए तो इसको प्लीज़। हम द्वारका में थे, हम जा रहे हैं राजस्थान में, हम जयपुर में रहते हैं, पहले दिल्ली में रहते हैं, अब जयपुर आ गए। दिल्ली में बहुत घुटन है, मुंबई एक्सप्रेस वे घुस गए हम, बोर्ड आए घुस गए मुंह। और भाई साहब, रोड ऐसा रोड है भाई, हल्का सा भी बम्प नहीं आ रहा था कि गाड़ी घट घट करे या घट घट हो, कोई घटा हो, खेचम खेच गाड़ी निकल रही थी, खन सन्नाटे को, सन्नाटे को चीरती हुई। 4 लेन यहाँ है और 4 लेन उस तरफ है, 8 लेन बोल रहे हैं, मतलब 8 लेन का हाईवे चल रहा है भाई। पट्टी भी ऐसा लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इस हाईवे पे एक्सयूवी का ADS सिस्टम मजा आएगा चलाने में। देखिए एक्सप्रेस वे की लिमिट 80, 100, 120। अभी आ जाए बीच वाला रोड, ये देखो ओवरटेकिंग के लिए आपको राइट साइड से निकलना है, यानी कि अगर आपको 120 चलना इधर, 100 चलना इधर, 80 चलना उधर, ये राइट साइड आपको खाली रखना है ताकि भैया ओवरटेक कर सको। तो नज़ारा देखो गाइस, ये सनसेट हो रहा था जिस टाइम पे हम निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेते ये मोमेंट, तो अच्छा रहता है। तो सॉरी, तो इसमें भाई खतरनाक रोड भाई साहब। हाँ, बस एक ड्रॉबैक है अभी इस रोड में कि आपके पास रुकने की जगह बहुत कम है, वो अभी बनाई जा रही है रुकने की जगह, और बाकी सब भी बनाया जा रहा है, पर इसमें अभी स्टॉपेज, रेस्टोरेंट, ये सब थोड़ा कम है, तो उसके लिए हमें भी प्रॉब्लम आई, मॉम को प्रॉब्लम आई, फ्रेश होने जाना था। मैं तो चलो लड़के हम तो पता ही है आपको, जहाँ मिला वहाँ कर देते, पर लेडीज़ लोगों के लिए थोड़ा भी प्रॉब्लम है जब तक ये पूरा रेनोवेट नहीं हो जाता या पूरे इसके जो स्टॉपेज है। हाँ, हर 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद दिखा रखा था कि आपको लेफ्ट उतरना है, आपके पास रेस्ट रूम है, लेफ्ट उतरना है, पर वो अभी बन ही रहे हैं, वो अभी वर्किंग में नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो देखो अभी एक ये पुल आता है, ये पुल देख के मेरे को मिला इसको भी रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। इस पुल का क्या सिनेरियो है, ये जो पुल है ये जा रही, इसके नीचे जा रही है ट्रेन, क्या जा रही है, ट्रेन जा रही है। तो ये पुल मेरे को लगा थोड़ा आर्किटेक्ट का अच्छा था, मैंने ले लिया भाई ये। तो अब हम अप्रोचिंग कर रहे थे नेक्स्ट टोल की ओर। ये टोल भाई देखने में अच्छा था, व्यू बड़ा टोल, क्योंकि भैया 8 लेन, 4 इस तरफ 4 उस तरफ, तो पता ही है क्या सी। ये हमने टोल आए, फास्टैग ने पैसे कटवाए, हमारा पैसा कटा और हम चल दी, कर लिया हमने ये दूसरा टोल पार। ये राउंड अबाउट मेरे को लग रहा है यार, ध्यान नहीं आ रहा कितना है, मैं टोटल एस्टिमेट करके। नाइट व्यू देखिए यार, इसमें क्या है, साइड में स्ट्रिप्स भी थी जो अभी लाल दिख रही है, बीच में हरी भी थी, पता नहीं मेरे को याद उठाया मैंने ये रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, ध्यान नहीं है, पर
नाइट व्यू अच्छा आ रहा था। हाँ इसमें बात ना, तो अगला सीन जो आएगा उसमें मैं पहली माफ़ी मांग लेता हूँ साला, मैंने वो शीशा साफ करने के चक्कर में मैंने वाले बोला था ना बजेगी सॉरी इसके लिए, इस व्यू की वजह से। तो ये जो स्ट्रीट लाइट्स आपको दिख रही है ना, इसमें नीचे एक टोल कहीं और जा रहा था रोड, तो उसका क्या है आगे बाइक क्या आता है टोल कटता है इससे दूसरे कहीं जैसे गाँव वाँव या कोई और। मस्त ऑडोमीटर रीडिंग है धुन नाइक पर भाई साहब, ऑडोमीटर देखो 1 2 3 4 5 6 क्या ही किलोमीटर चलिएगा। मैं इतना ही उठा पाया बस, ये लास्ट ये था ऑडोमीटर के बाद हम जस्ट उतर गए। तो ये जो है पूरा प्रॉपर जयपुर में आपका एक्सप्रेसवे नहीं खत्म होता, ये एक्सप्रेसवे खत्म होता है जयपुर से आधा घंटा पहले, जिसका नाम है जिस एरिया का नाम है दोसा। दोसा में ये पुल उतरता है आपका एक्सप्रेसवे, आपको कटवा देता है और दोसा से आपको फिर जयपुर आना पड़ता है। और उस रोड का जो नाम है वो आगरा रोड पकड़ते हो आप, मतलब नेट पे डालेंगे जयपुर आगरा रोड, तो वहाँ पे दोसा पे उतार देगा आपको। वहाँ से आपको हार्डली 50 मिनट तो लगना, 1 घंटा या 40 मिनट लगेंगे, 40 मिनट मेरे को लगे थे। अब डिपेंड अपॉन ट्रैफिक, रात को पहुँचोगे तो 40-30 मिनट में पार कर दोगे वो रोड, दिन में अगर पहुँच गए तो ट्रैफिक होगा क्योंकि वो सिर्फ 4 लेन रोड है। 4 लेन क्यों, स्टेट हाईवे 4 लेन समझते हो, दो इधर बस वो वही है, तो इसलिए उसको पार करने में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर आपकी जो डेस्टिनेशन है या आपको कहीं भी जाना है जयपुर में, आप जा सकते हो उसके बाद। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। मैं वापस आ गया हूँ, इसके बाद एक व्लॉग और बनाने जा रहा हूँ मैं, तो उसको स्टे ट्यून। वो व्लॉग हमारा है जो हमने ट्रिप मारी थी फुकेट की, तो फुकेट में हमने क्या क्या किया क्या नहीं किया उसकी ट्रिप मनाएंगे, उसके भी शॉर्ट्स मैंने बना रखे हैं, तो देख लेना गाइस।